उपजिलाधिकारी के पद पर चयनित होने के बाद पहली बार अपने मूल निवास सरेनी स्थित चकगोर जाते समय अभी सिंह का पूरे पांडे चौराहे पर ढोल नगाड़ों के साथ क्षेत्रीय लोगों ने माल्यार्पण कर जोरदार स्वागत किया और अभी सिंह का मुंह मीठा कराते हुए शुभकामनाएं दी। रविवार को रायबरेली से अपने गांव चकगोर जाते समय अभी सिंह ने सिहोलेश्वर बाबा मंदिर में माथा टेकते हुए आशीर्वाद भी लिया। आपको बताते चले कि न्यू स्टैंडर्ड पब्लिक स्कूल के छात्र रहे अभी सिंह का उपजिलाधिकारी पद पर चयन हुआ है। अभी सिंह ने यूपी में 35वीं रैंक हासिल की है। परिवारजनों के साथ साथ क्षेत्रीय लोगों में भी अभी सिंह के उपजिलाधिकारी चयनित होने पर खुशी का माहौल है। सरेनी स्थित चकगौर के मूल रूप से रहने वाले अभी सिंह के पिता शेर बहादुर सिंह अधिवक्ता हैं और उनकी मां मंजू सिंह गृहिणी है और वकालत के सिलसिले में शेर बहादुर सिंह शहर के सिंह विहार का कॉलोनी में रहते हैं। इंटरमीडिएट की परीक्षा न्यू स्टैंडर्ड पब्लिक स्कूल से प्राप्त करने के उपरांत अभय सिंह ने प्रयागराज के यूनाइटेड कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड रिसर्च से इलेक्ट्रिकल ब्रांच से बीटेक वर्ष 2015 में की। प्रयागराज में ही बीटेक के बाद अभय ने सिविल की तैयारी शुरू कर दी और इस दौरान अभय ने कड़ी मेहनत कर इस मुकाम को हासिल किया और अपने माता पिता के साथ साथ अपने गाँव व क्षेत्र का नाम रोशन किया। जानकारी के मुताबिक वर्ष 2019 की यूपीपीएससी की परीक्षा के घोषित परिणाम में अभय को 35वीं रैंक हासिल हुई है। रैंक के अनुसार उनका चयन सीधे उपजिलाधिकारी पद पर हुआ। मीडिया से मुखातिब होते हुए अभय सिंह ने कहा कि वह अपनी सफलता का श्रेय माता पिता चाचा चाची दोस्तों और गुरुजनों को देते हैं। उन्होंने कहा कि उनका अगले लक्ष्य आईएएस की परीक्षा उत्तीर्ण करना है। यह रिजल्ट एक पड़ाव है। जनसेतु के लिए रायबरेली से सुधीर अग्निहोत्री की रिपोर्ट। जैसा कि आपका पीसीएस में चयन हुआ है और आपने 35वीं रैंक हासिल की है तो इसका श्रेय आप किसको देना चाहेंगे? इसका श्रेय मैं सबसे पहले अपने माता पिता, अपने चाचा चाची अशोक सिंह दादी और पूरे बैसवारा क्षेत्र के सभी लोगों को मैं देना चाहूँगा जिनका पूरा सहयोग रहा इस पूरे जर्नी में और जिससे मैं 35वीं रैंक पाया। युवाओं को कुछ देना चाहेंगे संदेश आप? जी जी, युवाओं को ये संदेश देना चाहेंगे कि अब यहाँ बैसवारा क्षेत्र के लोग मैं जिस मुकाम पे पहुँचा हूँ इससे आगे पहुँचे, इससे ऊपर सोचें और मुझसे आगे, और मैं चाहता हूँ कि मैं आके उनको माला पहनाऊँ जब वो मुझसे आगे निकले। यही मैं प्रेरणा देना चाहूँगा।